इस वक्त आप देख रहे वॉइस ऑफ एमपी, मैं आपके साथ नेहा। इस वक्त कमरेट की बात करें तो नीमच में बीते रविवार को कर्नाटक के शिवमोगा में 26 वर्षीय वी बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की हत्या के विरोध में गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि को सौंपा। वही ज्ञापन में बताया गया कि कर्नाटक राज्य के शिवमोगा में रविवार रात 26 वर्षीय विहिप की युवा इकाई बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की हत्या कर दी गई। संपूर्ण भारत में आतंकी संगठन सिमी के दूसरे अवतार पीएफआई जैसे संगठन व मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पर प्रोत्साहन देने वाले कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जैसे लोगों के नेतृत्व में कभी नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर तो कभी हिजाब और कभी खुले में नमाज को लेकर किसी न किसी बहाने से हिंदू की हत्या कराकर अपनी घृणा का प्रदर्शन किया जा रहा है। ज्ञापन में मांग की गई कि हत्यारों के अविलंब गिरफ्तारी कर फांसी की सजा सुनाई जाए। हर्ष के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। आतंकी संगठन में सिमी के दूसरे अवतार पीएसआई जैसे इस्लामी संगठन को संपूर्ण भारत में बैन किया जाए। देश भर में लगातार हो रहे हिंदू साधु संतों व हिंदूवादी नेताओं की हत्या को ध्यान में रखकर देश के समस्त जनपदों में हिंदू साधु संतों व हिंदू व्यक्तियों की संपूर्ण सुरक्षा हेतु एडवाइजर जारी की जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में विहिप बजरंग दल पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिस प्रकार पूरे भारत में चाहे पश्चिम बंगाल हो, कोई से भी राज्य हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, हर जगह हिंदू समाज के लोगों को चिन्हित करके उनकी नस्लीय हत्या की जा रही है। इसका हम जोर विरोध करते हैं। भाई हर्षा के साथ में कर्नाटक में जो घटना घटी, उस तरह के एक हिजाब के लेके उसने कुछ बयान दिया, उसके विषय में उसके साथ में इतनी निशंस हत्या कर दी गई, इसका हम फुल जोर विरोध करते हैं। और शासन प्रशासन इस विषय में अगर ध्यान नहीं देता तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और भविष्य में बड़ा आंदोलन करेंगे। हमने ज्ञापन में मांग रखी है जिसने भी हर्षा की हत्या की है उनको सख्त सख्त सजा हो, उनको फांसी के अलावा कोई सजा नहीं होनी चाहिए। ये था अब तक का अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।